नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज हम आपको धन प्राप्ति के कुछ ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताएंगे जो बहुत ज्यादा कारगर हैं और जिन्हें करने के पश्चात निश्चित रूप से आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में धन के साथ साथ यश, वैभव और कीर्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिये दोस्तों, सभी व्यक्ति इस संसार में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हो और उस व्यक्ति के जीवन में धन धान्य आना शुरू हो जाए। व्यक्ति का धर्म चाहे कुछ भी हो, उसकी जाति, उसका समाज, उसका देश कोई भी हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी का उतना ही महत्व है जितना आपके जीवन में है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के कुछ ऐसे अत्यंत सरल और गोपनीय उपाय बताएंगे जिन्हें यदि आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। दोस्तों, सबसे पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं वो यह है कि आप नियमित रूप से अपने घर में, और हम आपको कहेंगे कि प्रत्येक शुक्रवार को आप नियमित रूप से श्री सूक्तम या लक्ष्मी सूक्तम का पाठ आप अवश्य करें। नियमित रूप से करें, प्रत्येक शुक्रवार को तो आप अवश्य करें। यदि आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा प्रत्येक शुक्रवार को आप श्री सूक्तम का या लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें। इससे माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा आपके जीवन में, आपके घर परिवार में होने वाली है। दोस्तों, इसके पश्चात अगला उपाय है, आप अपने घर में नींबू पानी का पोचा भी आप नियमित रूप से जरूर लगाएं। आप नमक का पोचा भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी सप्ताह में एक बार या दो बार आप नींबू पानी का पोचा भी अपने घर में लगाएं। इससे जहां आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है, वहीं आपके घर में सकारात्मकता आती है और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर में आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, प्रत्येक वीरवार को यानी बृहस्पतिवार को आप पीपल के पेड़ में आप जल चढ़ाएं और पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाने के बाद वहां पर आप घी का दीवा भी आप जरूर जलाएं। शाम के समय, जब संध्या का समय होता है, तो आप घी का दीपक भी आप जरूर जलाएं। और प्रत्येक शनिवार को आप गुड़ और मिश्री मिला हुआ जो जल है वो आप पीपल के पेड़ में चढ़ाएं, यानी आप दूध में गुड़ और मिश्री मिला लें और उसके पश्चात उस जल को आप पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। और इसके पश्चात आपको तिल के तेल का दिया जलाना है। ये प्रयोग आपको शनिवार को करना है। बृहस्पतिवार को आपको देसी घी का दिया जलाना है और शनिवार को आपको जो तिल का तेल होता है उसका दिया जलाना है, और ये प्रयोग कम से कम आपको 40 दिन तक करना है। इससे भी लक्ष्मी माता की कृपा आपके जीवन में अवश्य होगी। प्रत्येक पूर्णिमा को गाय के गोबर के जो उपले होते हैं, जिन्हें गोसे भी कहते हैं, वो आप जलाएं प्रत्येक पूर्णिमा को, और उनको जलाने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और उस दिन आप कन्याओं को भोजन भी अवश्य कराएं। जैसे अष्टमी और नवमी को कन्याओं को जिमाते हैं, ऐसे ही उस दिन आप कन्याओं को जिमाएं। इससे भी बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। और जब आप गाय के गोबर के जो कंडे उनको जलाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लोबान भी रख दें, और लोबान की जो धुनी उठेगी, धुआं उठेगा, उसको आप अपने पूरे घर में उसको फहराएं। इससे भी माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रत्येक अमावस्या को आप अपने घर की साफ सफाई अवश्य करें। अमावस्या के दिन साफ सफाई करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। अमावस्या के दिन आप अपने घर की साफ सफाई करें और आपके घर का जितना भी कूड़ा है उसको आप अपने घर से निकालकर या तो आप जो कबाड़ी होते हैं उनको बेच दें या फिर आप उसको आग लगा दें, अपने घर से निकाल दें। और इसके पश्चात आप के घर में जो भगवान जी का मंदिर है वहां पर आप शाम के समय आप देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह प्रयोग आपको प्रत्येक महीने की अमावस्या को करना है। यह भी बहुत अच्छा प्रयोग माना जाता है कि इस प्रयोग को करने से भी धन की देवी लक्ष्मी माता आप पर प्रसन्न होती है और आपके घर की ओर आकर्षित होती है और इससे स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये कुछ साधारण से उपाय थे जो कि बहुत अचूक हैं और बहुत ही सरल हैं। इनको आप जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में ऐसे ही बनी रहे।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।